सुबह के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पर मैं अपने कपड़े सेट कर रही थी क्योंकि आज हमें यहाँ से निकलना था। साथ ही मुझे आज जो कपड़ा पहनना था वो भी मैंने निकाल लिया। आज मैं पहनने वाली हूँ कॉटन की ये सुंदर सी साड़ी। आपने ऑलरेडी देखा है कि मैंने ये कहाँ से ली है, तो ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है प्लीज जरूर बताइएगा। रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद फिर यहीं से निकल जाएंगे हम लोग टाइम से। और कुछ इस तरीके से है मेरा लुक, मैंने ये साड़ी पहनी, कैसा लग रहा है जरूर बताना। गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अभीक्षा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है नेक्स्ट डे, आज हमें निकलना है बैंगलोर से, तो अभी हम फटाफट जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे। हमने सामान अपना पैक कर लिया है, बस निकलना ही है। आई जस्ट होप कि आपको आज वाला ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। तो बस चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने चाय भी, बिकॉज चाय पीने के बाद ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि क्या खा सकते हैं। सुबह सुबह बहुत कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो इस तरीके से कुछ हमारा बुफे सिस्टम था जहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट था होटल में ही कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हम गए, हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन थे जैसे कि इडली डोसा था, मेदू वड़ा था, सांभर था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हमने सोचा कुछ नॉर्थ इंडियन खाते हैं, तो हमने आलू का पराठा लिया, साथ में मैंने थोड़ा सा सांभर लिया था और थोड़ा सा मैंने पोहा लिया था। तो सुबह ज़्यादातर लोग वहाँ पर यही सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो कि हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के दौरान ही हमने सारी चीज़ें डिसाइड कर कि आज का पूरा दिन कैसे बिताना है, बिकॉज प्लानिंग आपकी रहती है तो आपके लिए इजी होता है दिन को आगे बढ़ाना। ये हमारे होटल का कुछ नज़ारा था, बहुत ही अच्छा सा। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जो कब से अपने बैग के साथ खेल रही थी इधर से उधर, एक बार तो वो गिर भी गई थी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। मैं इधर बैठी हुई हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ से मैं हो सकता है ऑटो करें या फिर कैब करें स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन है मैसूर के लिए, मैसूर में ट्रेन से जाना है। तो ऑटो क्या है कि बाहर यहाँ मिल जाता है बहुत ईजीली, जैसे होटल के बाहर ही ऑटो खड़े हैं, तो हम बहुत मतलब ईजी वे में ऑटो कर सकते हैं, कैब भी कर सकते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैसूर रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया है, यहाँ पर हमने टैक्सी बुक कर ली है, ये भैया हमको मिल गए हैं और बस यहाँ से चलते हैं हमको जहाँ जाना है। बस इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगी ब्लॉग में, बट मैंने कहा आपको यहाँ तक बता देती हूँ कि मैं फाइनली पहुँच गई हूँ। लगभग 2.5 से 3 घंटे की जर्नी थी जो कि कम्प्लीट हो गई है। 20 वो भी कर सकते हैं क्या? एक दिन में कवर नहीं होता है। अच्छा, चुके हैं मैसूर में और बस मैं तो सो गई थी रास्ते में, लेट भी हो गया काफ़ी, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट कहाँ पर जाना है। अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर देखते हैं। ये हमारा होटल है, यहाँ पर बड़ी सुंदर सी नटराज जी की मूर्ति पर, ये हमारा मैसूर, कोई बात नहीं, मैसूर का रूम है ये वॉशरूम है, दिस इज़ वॉशरूम एंड इस तरीके से कुछ रूम है। लाइट्स वगैरह भी थोड़ी भैया ने बंद कर दी हैं, यहाँ पर ये मिरर है, इस तरीके से कुछ है। अभी तो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, अभी थोड़ा आराम करेंगे, अभी इतनी लाइट रहने तो बाद में जलाते हैं। बस इस तरीके से कुछ है, बाकी उस तरफ का व्यू मुझे लग रहा है अंधेरा हो गया इसलिए कुछ ना दिख नहीं रहा है, मतलब अभी कुछ वैसा दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। हाँ तो
यहाँ पर हमने ट्रेन से उतरने के बाद हम होटल आए, वहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर बाहर निकल के हम चले गए थे बर्गर किंग जो कि काफ़ी ज़्यादा पास में था। जैसे हम बाहर निकले ना, वहाँ पर कोई फंक्शन भी था होटल में, तो यहाँ पर हम बर्गर किंग गए। हमने थोड़ा बहुत ये हुआ कि थोड़ा कुछ खा लेते हैं, फिर रात का डिनर देखा जाएगा। खा पी के पेट भर गया एकदम अच्छे से। आज ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन में ना स्पेस का भी था, ऑलरेडी काफ़ी वीडियो शूट कर लिया है जो कि अभी एडिट नहीं हुआ है, और मतलब इतना याद भी नहीं रहा। तो बस चलते हैं रूम में, आराम करते हैं थोड़ा सा। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ भरा रहा है, आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा, मतलब हमें भाग दौड़ बहुत ज़्यादा ट्रैवल हमने कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, पहले चलते हैं रूम में, उसके बाद चेंज करते हैं। फाइनली इतना थकान भरा दिन आज मैंने, मतलब मैंने पूरा जो ट्रैवल किया और उसके बाद भी, मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ इसको इधर करके, जो भी सारी चीज़ें की हैं सब मैंने साड़ी पहन के की है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज पूरा दिन साड़ी पहन के, मतलब ऐसे कॉटन की साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं। आप बताओ कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो आज इसी तरीके से सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, अभी पहले चेंज कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा फेस वगैरह थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। एंड कल भी हमें घूमने जाना है, कल हमें कई जगह घूमना है, तभी हम वो भी थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एंड मेरी इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं आज, मैंने बहुत सुंदर इयररिंग्स पहने, लुक एट दिस। तो बस चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। मैंने चेंज कर लिया है, अभी वाइप से फेस क्लीन करना है, वाइप क्लीन करके मैंने बैग निकाल लेती हूं। ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಡಿಸಿಎಂಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ। जो वीडियो आप लोगों को कल सुबह देखने को मिलेगा वो एडिट हो चुका है, लेकिन अभी थंबनेल वगैरह नहीं बना, तो मुझे उस पर काम करना है। तो मुझे थंबनेल बनाना है सबसे इम्पोर्टेंट, और पूरे दिन की जो डस्ट है वो पूरे फेस पे है, तो पहले क्लीन करूंगी वाइप से, उसके बाद वाटर वॉश कर लूंगी। काफी अच्छा लग रहा है मैसूर में आके, काफी अच्छा लग रहा है, काफी क्लीन सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। एंड बस हाँ, जब भी आप नॉर्थ इंडिया को छोड़ के आते हो तो आपको नॉर्थ की याद बहुत आती है, बिकॉज हर जगह का कल्चर अपना अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है। तो हम आए हुए हैं, कल हमें कहाँ कहाँ घूमना है ये सारी चीज़ें अभी हम डिसाइड करेंगे, क्या क्या हम घूम सकते हैं। हमारे पास सिर्फ कल का ही दिन है, परसों क्योंकि हमारी फ्लाइट है, तो कल के दिन में जो भी करना है कर लेंगे। यहाँ जितने भी टेम्पल हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेम्पल हैं, इनका लुक बहुत अच्छा होता है। जो टेम्पल होते हैं वो तीन शैली पे बनते हैं ना, वो भैया तीन शैली होती है, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागा शैली। नागा शैली जो है वो नॉर्थ में यूज होती है, नॉर्थ के जितने भी मंदिर आपको दिखेंगे वो नागा शैली पे बेस्ड होते हैं, और जितने भी आपको साउथ के इधर मंदिर दिखेंगे ये बेसर शैली या द्रविड़ शैली इसके बीच पे होते हैं। तो भैया मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ऐसी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। पहले हम चाय पी रहे हैं, ये जो कप है ये प्लास्टिक का है, देखा तुमने, ये बहुत ज़्यादा हल्का है, मतलब ये जैसे लग रहा है हवा पकड़ी है, मतलब हवा का नहीं बता सकते, लेकिन इतना हल्का कप मैंने आज तक नहीं देखा, और काफ़ी ज़्यादा हल्का है। नहीं, बाहर की चाय में हमको अजीब सा ही दूध का स्वाद आता है, मतलब हमको चाय नहीं अच्छी लगती बाहर की, बिल्कुल भी कहीं की चाय नहीं अच्छी लगती, सिर्फ घर की चाय अच्छी लगती है। मैं बाहर की चाय पीती हूँ, इतनी बार माँ के हाथ की चाय की याद आती है, इतनी बढ़िया चाय बनाती है।